सर राइट टाइम होता है जब आपकी जिंदगी बदल जाती है और राइट टाइम आ चुका और राइट प्लेस पर आप है, सही जगह पर आप है क्रिप्टो करेंसी में। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप सब लोग एक पागल के साथ है। आप पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। खराब है, आप सभी लोग एक पागल के साथ है क्योंकि आज सब आपको याद होगा ना एसबीजी में मैंने बोला था, सबको बोला था लखनऊ से स्टार्ट किया हूँ, पूरे इंटरनेशनल बिजनेस करूंगा, पहली बार पानी पहाड़ पर चलेगा, दुनिया से देखेगी। कौन बोल सकता है, कौन बोल सकता है बताइए, समझदार समझदार लखनऊ का होगा बोलेगा दुबई का है, मैं प्रमोटर हूँ, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, चलेगी छात्र नहीं तो सामने। क्योंकि मुझे धोखा नहीं देना था, इसलिए मुझे पता था कि ऊपर वाला भी मुझे धोखा नहीं देगा और ऊपर वाला जितना भी करेगा वो सब कुछ मजबूत बनाने के लिए करेगा, सिखाने के लिए करेगा। इसलिए आपने 11 महीने में कभी भी मेरे फेस पर शिकन देखी, मुझे कभी टेंशन नहीं हुआ भाई। मेरे फेस पर सिर्फ एक बार शिकन आई थी जब हैक हुआ था। क्यों? क्योंकि वो 14 तारीख को हैक हुआ था, 15 को विड्रॉल जा रहा था, क्योंकि सीधा सीधा फ्लेम था कि जानबूझकर इसने हैक का ड्रामा किया। उस दिन के बाद कभी शिकन नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आप अगर ईमानदारी से हार्ड वर्क कर रहे हैं, सूझबूझ समझदारी से हार्ड वर्क कर रहे हैं तो रास्ता आपको मिल जाएगा। आप धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा और आप धोखा नहीं देंगे तो रास्ता मिलेगा। एक बात और मैं बताता हूं कि एक बात और मैं बताता हूं कि भाई मेरे पिताजी की शॉप है और वहां पर एक लोग आते थे लेक्चरर और वहां पर एक बात बोलते थे, बचपन में मैं छोटा सा था और तब वो बोलते थे और तब मैं ध्यान से सुनता था। क्या बात बोलते थे? वो बात बोलने के लिए पिताजी शायद उनको बार बार प्रेस इसलिए करते थे कि मैं वहां रहता था या शायद क्यों प्रेस करते थे नहीं पता, लेकिन वो बात बोलते थे कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देते। तो भाई वो बात बचपन से मेरे दिमाग में है और जो बात बचपन से मेरे दिमाग में है वो बचपन से जो बातें सुनते ना वही आपका जीवन वो बन जाता है। तो धोखा होगा नहीं होगा, समय खराब हो सकता है लेकिन कितने दिन खराब होगा वो भी खराब होकर चला गया, इससे ज्यादा नहीं खराब होगा। इससे ज्यादा खराब होगा तो ऊपर वाले से सबका विश्वास उठ जाएगा और मतलब ऊपर वाले सबका भी उठ जाएगा, मेरा भी उठ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए पूरे दिन गए, हाँ भाई पूरे दिन गए, और अगर जो भी आएगा भी ना उसको देख लेंगे। मैं सिर्फ मैं एक ही बात करता हूँ, एक ही बात करना चाहता हूँ, यदि क्रिप्टो करेंसी के साथ कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और कितने दिन मात्र 10 महीने ना हो बस, अगर 10 महीने नहीं हुआ तो सब लोग यहाँ पर अपने ड्रीम पूरे कर चुके होंगे। क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगा तो कैसे करना है, कितना निकालना है, कितना डालना है, कोई भी जरूरत की चीज रोकना नहीं, सब पूरी करना है, क्योंकि ऐसा मौका मिलेगा नहीं दोबारा। तो इसलिए अगर 10 महीने क्रिप्टो करेंसी जिंदा रहा तो सारे लोगों के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और मैं इस तरीके से प्लानिंग कर चुका हूँ, कि अगर मुझे भी कुछ हुआ और कम्युनिटी में 50 कम्युनिटी में सिर्फ 50 मर्द बचे, अगर मुझे कुछ हो गया अपनी कम्युनिटी में 50 मर्द बचे तो भी सबके सपने पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने तो प्लानिंग की है कुछ इस कदर कर दी है, दुनिया में पहली बार सबमिट एक ऐसा टोकन होगा जो 99% लॉक होगा। वाह, 99% लॉक होगा, सिर्फ 1% टोकन ओपन होगा और जो 99 लॉक होगा ना सर कुछ इस कदर होगा, 23% लॉक होगा स्टेकिंग होल्ड, स्टेकिंग जो लोगों ने कर रखी है उनके लिए, उसके ऊपर 0.1% के आसपास का DPR निकल के आएगा। 25.2% लॉक होगा OLD ओल्ड स्टेकिंग को पुल देने के लिए, ओल्ड स्टेकिंग 23% वालों को रिवार्ड देने के लिए जिसका 0.2% डेली निकल के आएगा, और 15% न्यू स्टेकिंग होगी। टोटल स्टेकिंग कितनी होगी? 23% और 15% 38%। तो 15% न्यू स्टेकिंग होगी, उसके लिए भी फंड होगा वो 0.2% की दर से डेली निकल के आएगा, और 16.5% का न्यू स्टेकिंग ये मतलब जो 15% होगी उसको रिवार्ड देने के लिए है, उसके भी 0.2% निकल के आएगा। 5% फार मार्केटिंग पूल होगा जिसमें से 0.1 निकल के आएगा। 5% डेवलपमेंट पूल होगा जिसमें से 0.1 निकल के आएगा।
और 4.5% डेडिकेटेड कम्युनिटी का स्टेकिंग है। आपको पता है 4.5% आपके नाम पे स्टेक है डेडिकेटेड कम्युनिटी के रूप में, वो स्टेक होगा। और साथ में 1.2% रेफरल बोनस, 20 लेवल में 15% जो रेफरल इनकम बनेगी उसके लिए भी लॉक होगा 1.2%, और उसमें से 0.2% निकल के आएगा। और 3.5% रेस्ट डेडिकेटेड फंड जो कि 4.5 के बाद बचेगा 8 में, वो भी लॉक होगा, उसमें से भी धीरे धीरे ही निकल के आएगा। और 1% ओपन सप्लाई होगी मात्र मार्केट में। और आपने अगर 50,000 की स्टेकिंग का सपोर्ट किया ना, 50,000 स्टेकिंग देने का और 100,000, देखिए पहला चीज 50,000 स्टेकिंग का अगर आपने डेली सपोर्ट किया तो भी ये कॉइन 100 पे खड़ा हो जाएगा 3 महीने 5 महीने, तो भी सिर्फ 50,000 करते रहेंगे ना तो भी ये 100 पे खड़ा हो जाएगा, सिर्फ 50,000 तो भी 100 पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप अगर $100 से 50,000 कर दिए ना तो 3-0 किल करेगा। लेकिन 50,000 करते रहेंगे तो ये 100 पे चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास प्रभास सर ने बताया ना कि मेरे पास एक ऐसा फंड है जो इधर बीच में मैंने कलेक्ट किया और जनरेट किया, कलेक्शन भी हुआ और जनरेशन भी हुआ, और जनरेट करके वो मैं 3x करके रख चुका हूँ। और वो जो 3x करके रख चुका हूँ ना, वो कम से कम 15x में कन्वर्ट हो जाएगा अगले 6 महीनों में। और जो 15x में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो सीधा इधर लगेगा, और लगेगा जहां भी होगा वहां फाड़ के ऊपर चला जाएगा। इसलिए सिर्फ मेंटेन करने के लिए 50,000, लेकिन 3-0 किल करना चाहते हैं तो $100 से 50,000, वरना 1-0 आराम से इसको हम 3-4 महीने स्टेकिंग करके 2-0 आराम पे आराम से इसको खड़ा करके वहां पर एकदम मस्ती से डांस करा सकते हैं। मस्ती से डांस का मतलब हो गया कि उधर वही उधर ही रहेगा डांस के साथ, उसके नीचे नहीं आएगा। ये निकल के आएगा सर, ये पूरा का पूरा लाख है। और जो भी लॉक पैसे निकलेगा वो आपको पता चलेगा, जो भी लॉक पैसे निकलेगा वो पता चलेगा, और ये क्यों निकला है वो भी आपको पता चलेगा सब लोगों के सामने। अगर इसमें से फंड निकला 25.3 में से, ये फंड 23 में जाएगा, इसीलिए निकलेगा वरना नहीं निकलेगा। हेलो, यस, समझ रहे सर? तो ये सारा फंड सारा सब कुछ एकदम कैलकुलेटिव है और 99% लॉक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अगर मेरा साथ भी कुछ हो गया ना तो भी अगर 50 मर दूंगे जो 50,000 की स्टेकिंग डेली कराते रहेंगे ना तो किसी के लाइफ के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि स्टेकिंग तो वही आप कराएंगे जो निकल के आएगा, बाहर से किसी के पास नहीं होगा। और DPR निकल के आएगा 35,000, क्वाइन का रेशियो जानते क्या है, 35,000 में कभी भी 35,000 सेल में नहीं आएगा, 35,000 में सिर्फ 10,000 सेल में आएगा, कितना? और अगर आप 50,000 की स्टेकिंग करा रहे होंगे तो कितने गुने ज्यादा करा रहे हैं, तो आपकी स्टेकिंग के दम पे वो 0 किल होगा, बाकी मार्केट को अलग से एक्स्ट्रा बोनस देगा मार्केट। तो दोस्तों सबमिट नाम क्यों रखना पड़ा? सबमिट नाम इसलिए रखना पड़ा कि हमारे साथ कुछ ट्रेजडी जो पीछे हुई है ना, तो MMIT जब हमने प्रमोट कराया था तो उसमें कुछ लोग मतलब उनको क्या होता है, कुछ लोग उपद्रवी प्रकार के था, तो वो जाके उन यूट्यूबरों को के साथ गाली गलौज की, तो उन्होंने बोला यार MMIT को हम लोग नहीं प्रमोट करेंगे। लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी के साथ भी नाम चेंज नहीं होना चाहिए अपनी। अभी वो मैडम थी ना, बार बार MMIT बोल रही थी, पीछे बोल कर आई थी कि उनको MMIT आता, हम भी MMIT बोलेंगे, लेकिन हम मार्केट में जाके सुपर MMIT बोलेंगे, और हम यूट्यूबर के पास सबमिट लेके जाएंगे। yes. और ये जो सबमिट है ना सर, सबमिट इसलिए बनाया कि अब तक जितनी भी गलतियां हुई ना, जितनी भी गलतियां और जितनी भी लड़कियां हम सबकी ना, सबको ये सबमिट कर देगा, सबको समाहित करके 0 कर देगा, क्योंकि ये बहुत अनुभव के बाद बना है, बहुत अनुभव के बाद बना है और बहुत तरीके से बना है। इसके बाद भी मैं कोई भी चुनौती लेने के लिए तैयार रहता हूँ, कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए, मैं तैयार रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है
कि भाई मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल जान जिगर सबसे साथ में, मतलब हर तरीके से साथ में है, और उनको उन्होंने मेरे साथ अपना सपना पूरा करने का, अपने परिवार का सपना पूरा करने का सपना देख लिया है, और वो जब तक नहीं होगा, अब होगा कहाँ से कम 20, कम से कम 100 से होगा, तो वहां तक की मैं व्यवस्था अलग से बना चुका हूँ कि अगर स्टेकिंग नहीं भी बढ़ती है, हमारी 50,000 भी रह जाती है, हमारी 35,000 भी रह जाती है, हमारी स्टेकिंग मात्र 20,000 भी होती है, तो भी 6 महीने बाद हम खुद इतने सक्षम होंगे कि इसको उठा के सौंप कर देंगे। तो जो ये बार बार आपसे आपके सपने पूरे करने का बात कर रहा हूं मैं, वो स्टेकिंग के दम पर नहीं, वो अपनी प्लानिंग के दम पर, स्टेकिंग के दम पर तो 100-0 का प्लानिंग करेंगे तो 3-0 हम लोग किल कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा आपको एक बात बोलनी है कि 100 जाएगा तो 10,000 तक और वरना 0, क्योंकि हम लोगों ने कमिटमेंट और किया है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम, सारा पैसा कम चाहिए लेकिन टेंशन नहीं चाहिए, मतलब टेंशन नहीं चाहिए भाई, और $100 से अब पहले दिन गोल कर लाएंगे तो टेंशन कभी नहीं आएगा। हेलो, यस सर, जो भी बोलता है भाई गारंटी ले लीजिए, तो उनको बोलिए भाई आप अपना पैसा अपने पास रखिए, आपके लिए क्रिप्टो नहीं है, बैंक में जाइए लेके, आपके लिए इंडियन गवर्नमेंट है, बाकी आपकी गवर्नमेंट है, आप उधर पैसा रखिए, उधर गारंटी रहेगा 10 साल में, ठीक है सर? यस सर। तो किसी की गारंटी नहीं लेंगे ना? नहीं सर। हेलो, किसी की गारंटी नहीं लेना, एकदम काम पकड़िए, किसी बिजनेस नहीं होगा चलेगा, लेकिन गारंटी किसी की नहीं लेना, और $100 का बिजनेस करना है। हेलो, होगा कैसे? अपना बैलेट दिखाएंगे, तुरंत हो जाएगा, जेब से तुरंत पैसा निकलेगा, जैसे बैलेट दिखाए तुरंत निकलेगा, इमीडिएट, एक भी मिनट नहीं लगेगा। अगर मेरी बात सही होगी तो जाके आजमा लीजिएगा, जिस दिन से सबमिट आपको वॉलेट में दिखने लगे उस दिन के बाद जाएगा और बोलेगा भाई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, बोले नहीं सुनना है, सामने वाले बोलेगा नहीं सुनना है, ये देख, आप बोलेंगे भाई ऐसा है कि मैं इतना लगाया था और देखो आज के डेट में इतनी वैल्यू हो चुकी है, अच्छा तो भाई मेरा करवा दो, कितने का लगाए थे? आप बोलेंगे भाई $10,000, सामने वाले बोलेगा ठीक है भाई मेरा भी 1,000 कर दो, आप बोलेंगे भाई 1,000 नहीं, बहुत रिस्की है, डूब सकता है, 100 से करो, तो यही करना है सर, यही करेंगे ना? Yes. मेरी बात को अगले 3, 6 और 9 अगले 9 महीने तक मान सकते हैं? Yes, sir. हेलो, अपना दिमाग अगले 9 महीने नहीं चलाएं, ऐसा हो सकता है? Yes. सर, अगले 9 महीने अगर अपना दिमाग आप नहीं चलाएं तो पूरा जीवन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगले 9 महीने मात्र, और इसकी झलक आपको इसी महीने से दिख जाएगी, इसका जो होता ना जो फॉर्म प्री मेंस, इसका प्री आपको इसी महीने दिख जाएगा कि भाई बात को मान के चलना है, इसका प्री आपको इसी महीने दिख जाएगा अक्टूबर में, बाकी महीनों आप अपना दिमाग मत लगाएगा, क्योंकि दिमाग अगर लगाएंगे तो लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी आप जीरो करके मार्केट से वापस आएंगे। अगर दिमाग आपने लगाया तो आपने लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी जीरो करके मार्केट से वापस आ जाएंगे, और वापस आएंगे ना फिर अपने पास आपको चांस नहीं बचेगा, क्योंकि जब आप वापस आएंगे ना उस स्थिति में हम लोग 100 पे होंगे, जब आप वापस पे आएंगे ना उस स्थिति में हम लोग 1,000 पे होंगे, तो उस टाइम पे आपका 10 गुना होगा, 10 गुने से क्या बन जाएगा? कुछ नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सर यही है, बाकी का बहुत कुछ पॉइंट है आगे, ये मैंने रेडी किया था लेकिन काफी टाइम है। TF3 एक्सचेंज देखिए, 3,000 से 5,000 डेली बाइंग क्रिएट करेगा बुल रन में। TF2 एक्सचेंज 7,000 से 12,000 डेली बोनस क्रिएट करेगा। TF1 एक्सचेंज 20,000 से 30,000 डेली वैल्यू बनाएगा
बुलरन में, बुलरन की बात कर रहे हैं, नारनौल में नहीं होता। आवर प्लान जो हमारा प्लान है उसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी कुछ प्लानिंग कर रखी है। रियल यूनिटी ऑफ समिट, आवर यूनिटी प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है। एमस्वाइप रेडी है, डिसेंट्रलाइज पहली बार, फर्स्ट टाइम किसी भी ब्लॉकचेन का पॉइंट किसी भी ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट कन्वर्ट कर लीजिए और उसके टोकन कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ भी कन्वर्ट कर लीजिए, मात्र आपको ब्लॉकचेन की फीस देनी है, अदर कोई फीस नहीं है। और अगर कोई फीस हम लोग करते भी है तो 1% से ज्यादा नहीं होगी। यस सर। और अभी तक नहीं करने का विचार है, आगे अगर विचार आए तो 1% से ज्यादा नहीं होगी। मार्केट में और भी जो प्लेटफॉर्म है वो 7% लेते हैं, 3+4 लेते हैं, हम लोग अगर करेंगे तो 3+1 करेंगे। यूजिंग सबमिट अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ आपको स्लाइड मिल जाएगी। यूनाइट टू अर्न, तो अभी से अपना मिशन क्या है, अभी से अपना मिशन है यूनाइट टू अर्न। आप सभी लोग सुने होंगे ना टैप टू अर्न, टैप टू अर्न, हेलो, टैप टू अर्न, वो मोबाइल में टैप करते रहते हैं और उनको रिवार्ड मिलता है, बाद में 2-3 महीने टैप करने के बाद, रोज 2-3 घंटे टैप करने के बाद उनको जो रिवार्ड मिलता है वो $2-3 का मिलता है, $5 का। उससे अच्छा भैया यूनाइट वर्न आप मीटिंग करिए और सबमिट के बारे में लोगों से चर्चा करिए और आप अपना बैलेट दिखाइए और 10 लोगों को लेके आइए और 10% सीधा आपके पास। यूनाइट वर्न 10 लोगों को लेके आइए और 10% आपके पास सभी इनकम के अलावा। तो हम लोग कंपनी करने जा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो हमारी ऑनलाइन टीम है उस टीम ने हमसे कमिटमेंट किया है कि दिसंबर तक 1 मिलियन की कम्युनिटी हम ऑनलाइन आपको देंगे, 1 मिलियन की, मतलब बोले तो 10 लाख लोग ऑनलाइन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होंगे 3 महीने में। तो उससे हमने भी एक कमिटमेंट किया है कि 10 लाख लोग हमारे साथ ऑफलाइन में $100 से होंगे 3 महीनों में। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी हमारे पास एक्टिव कितने लोग हैं, हेलो, अरे ऐसे नहीं काउंटिंग बताइए, 100, 200, 500, 1000, 300, 400, 500, 1500, 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 1500
कमिट, उस दिन कितने एक्टिव होंगे? 1500। 1000? यस सर। सर 1000 लोग उस दिन सब लोग एक्टिव हो जाएंगे, सबकी नजरें खुल जाएंगी, क्योंकि प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है और वो सब प्रॉफिट सबको मोटिवेशन देता है और सबको मोटिवेशन देगा और 1000 लोग एक्टिव हो जाएंगे और 1000 लोगों ने 15 दिन के अंदर यदि 10 लोगों को भी स्पॉन्सर कर दिया $100 से और सबको ना लेवल में लेवल लेने के लिए भी $100 की स्पॉन्सरिंग जरूरी है तो वैसे ही हो जाएगा। हेलो, बिल्कुल सही, ये तो मजबूरी में भी हो जाएगा। बिल्कुल सर। यस यस। तो भाई वो 1000 लोग सीधे 10000 लोगों में बदल जाएंगे अक्टूबर 15 दिन और अगले एक महीने में 10000 लोगों ने अगर 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया तो वो 10000 लोग 1,00,000 लोगों में बदल जाएंगे और अगले दिसंबर में उन 1,00,000 लोगों ने सिर्फ 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया तो वो बदलने वाले सीधे सीधे 10,00,000। और आप बोलेंगे 100% नहीं होता है, तो मैं कहा 100% लोगों को लेकर चल रहा हूँ, मैं भी तो सिर्फ 1000 लोगों को लेकर चल रहा हूँ। 3000 लोग एक्टिव होने वाले हैं, 3000 लोग एक्टिव होने वाले हैं जिस दिन से उनका DPR दिख गया, नींद नहीं आएगी कोई भी नहीं। और ऐसे ऐसे धुरंधर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100-100 की टीम एक एक दिन में बनाएंगे सर, 100-100 की टीम एक एक दिन में बनाएंगे। वो मिलने तो रहेंगे, बोला ना कि सर वो हम लोग SBC शुरू किए थे पूर्वांचल से लखनऊ से, इसको दुबई से शुरू किया, कुछ प्लेस का भी आवरा होता है, कुछ जगह का भी आवरा होता है ना, तो सर ये तो बहुत बड़ा होगा और बहुत बड़ा नहीं होने की कंडीशन थी तो भी हम लोग बड़ा कर रहे थे, अब तो सारी कंडीशन बड़ा होने की। तो ये PPT में नहीं दिखाऊंगा, बाकी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आप सभी लोगों को शुरू हो चुका है डिनर एंड ड्रिंक जी, तो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बाकी भाई किसी को लोड लेने का नहीं, अगर आपके पास समस्या का हल नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है, तो आप खुद एक समस्या है। और अगर आपको कोई चीज बहुत भारी लगती है, बहुत नुकसान हुआ है,
तो आप सिर्फ 15 दिन और जो ये 30 जो बचा है ना अक्टूबर का 15 दिन, ये 15 दिन और उन चीजों को किनारे रख के बस इंतजार कर लीजिए 15 दिन और, इसके बाद जो चीज आपको भारी लगेगी उसके ऊपर बात करेंगे। हेलो, ये 15 दिन का रिजल्ट और ये 11 महीने का रिजल्ट, इन दोनों के रिजल्ट में जो भारी होगा उसके ऊपर बात करेंगे। यस सर नो? और मुझे ये पूरा यकीन है कि 11 महीने बना में 11 दिन करने वाले हैं, 11 दिन। तो हम लोग सर मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और मोबाइल का एक हम लोग करने वाले के हंड्रेड की टीम जिस जो भी बनाएगा उसका मोबाइल इमीडिएट मिल जाएगा। प्रभाष सर ने ऐसा बताया, आपने ऐसा सुना? हेलो सुना सर, आपके टीम में कोई भी ऑफिसर जिसको मोबाइल नहीं मिला होगा, कोई भी वैरियर जिसको मोबाइल नहीं मिला होगा, कोई भी मैंगो मैन जिसको मोबाइल नहीं मिला होगा, उस सौ वाले के एक मोबाइल के साथ आपके एक लीडर को भी फोन चला जाएगा। सौ की टीम बनाइए, अब पुराना और नया दोनों फोन लेके जाइए। और ये सौ की टीम पूरी टीम मिलके बनाए तो भी लेके जाए। सौ की टीम पूरी टीम, बृंदाचल जी बोल दिए कि सर मेरी टीम से 100 हो गया। अच्छा ठीक है जी, कितना, एक चाहिए या दो? आप किसी को देना भी चाहते हैं तो दे दीजिए, और नहीं तो एक उसका क्या बोलते, एक आपके अचीवर का डन, यानी कि 100 की टीम बनाइए, अचीवर का फोन रिसीव करिए और जिसने 100 किया फिर उसका रिसीव कर लीजिए। बुकिंग स्टार्ट हो गई सर। सर जब शुरू होगा तब बुकिंग स्टार्ट, जब शुरू होगा तब पहले से जोश में, मतलब जोश में नहीं आना। हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सब टेक्निकल चीज को हम जूम पर आकर बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जोश में कभी नहीं आना है और घमंड कभी नहीं करना। हेलो, ईश्वर का भोजन अहंकार है और जोश में हमेशा नुकसान होता है, तो इसलिए जोश में नहीं आना है और घमंड नहीं करना। आपके पास इतना बैलेट हो गया आप तो जीवन भर चलेगा, नहीं करना सर, प्लीज प्लीज प्लीज, जिसका भी बैलेट बड़ा हो गया है वो घमंड नहीं करेगा, जबकि हो सकता है ईश्वर आपके ही अहंकार को मारने के लिए सबको मार दो। है ना, इसलिए दोस्त आप देख लीजिए ना, जिसके पास पैसा है क्या आपकी तरह उबलता है? हेलो, उबलता वही है जिसका जो नीचे का वो होता है तावा, वो पतला होता है, जिसका पेदी मोटा होता है